अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल देसी होम ओनर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जो लोग ये वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज़ वेल। और वो लोग जिन्होंने ये वीडियोज़ देखी हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल की वीडियो में जब मैंने वाइपर ब्लेड्स चेंज किए और उसके बाद जब मैंने वीडियो को अपलोड किया और जब मैं वीडियो देखने के लिए बैठा तो मुझे पता चला कि वीडियो क्वालिटी बहुत ही बुरी थी। जब मैंने उसका वीडियो क्वालिटी यूट्यूब पे की सेटिंग्स में जाके देखी तो ऑटोमेटिकली वीडियो सेटिंग्स जो है वो 360 पिक्सल्स आ रही थी। वॉज़ रियली डिसअपॉइंटिंग क्योंकि मैंने जब खुद वीडियो शूट की थी तो उस पर क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी। तो फिर मैंने खुद एडवांस सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करके 1080 पिक्सल्स पर इंच कर लिया और वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो प्लीज़ अगर आप कल की वीडियो देखें तो कोशिश करें कि उसको 1080 पिक्सल पे क्वालिटी को सेट कर लें और उसके बाद देखें, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट अ गुड विजुअल एक्सपीरियंस व्हिच इज़ नॉट व्हाट आई वांट। तो जी आज मेरा इरादा तो है कि ड्राइववे को क्लीन करें और डेक्स जो हैं उनकी सफाई की जाए बट मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग स्नो टुडे तो शायद ज़्यादा टाइम नहीं होगा इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये लाइट्स जो हैं ये भी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई हैं बिकॉज द लाइट इज़ रियली पुअर। तो जल्दी से ड्राइववे क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्लीन कर लेते हैं जाके डेक्स। क्लीनिंग के लिए मेरे पास जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो है ये एक ब्रूम और एक है ये लीफ रेक। बट पिछले साल तकरीबन अक्टूबर में शायद सेल पे मुझे ये एक पावर स्वीप मिला था। तो लेट्स ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया तो देखते हैं कि ये कैसे हेल्प कर सकता है मुझे जल्दी क्लीनिंग करने में। अच्छा, तो जो पहली प्रॉब्लम इसको यूज़ करने में है वो ये है कि ये पावर स्वीप जो है इसको किसी इलेक्ट्रिकल पावर आउटलेट में प्लग इन करना पड़ेगा और बहुत लंबी सी केबल भी नहीं है, इनफैक्ट एक बहुत छोटी सी केबल है इसके साथ। तो मुझे एक्सटेंशन केबल यूज़ करनी पड़ेगी इसको यूज़ करने के लिए। मे बी इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर मैं एक गैस पावर्ड पावर स्वीप ले लेता इसकी बजाय, बट ये सेल पे था तो मैंने ये ले लिया। वो कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, शायद वो कहावत इसीलिए बनी। फॉर्चुनेटली आई हैव अ ह्यूज एक्सटेंशन केबल जो कि मैं प्लग इन कर लूँगा और देखते हैं कि कहाँ तक ड्राइवर को साफ करने में हेल्प करती है। अच्छा, तो जो पहला काम मैंने किया है वो ये किया है कि मैंने केबल को स्ट्रेटन कर लिया है, उसमें से किंक्स निकाल लिए हैं और मेरे जैसे लाहौरी जो कि पतंगबाजी के बहुत शौकीन रहे हैं उनकी ज़बान में गुंजल निकाल लिए हैं और देखा है कि केबल कहाँ तक जाती है। तो केबल तकरीबन रोड तक पहुंच रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग। कैमरा मैं कोशिश करूंगा ड्राइवे के फार एंड पे लगा दूं ताकि आपको नज़र आ रहा हो कि क्या ये पावर स्वीप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ड्राइवर तो हो चुका है क्लीन, सो फार सो गुड। अगर मैं ड्राइवर को ब्रूम के साथ क्लीन करने की कोशिश करता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता।
एक दो मरतबा पावर केबल जो है वो अनप्लग हो गई थी, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई थॉट कि अगर गैस पावर स्वीप होता तो शायद वो इशू ना होता, बट इट्स नॉट समथिंग विच इज़ अ मेक और ब्रेक डिसीजन फॉर मी टू यूज़ दिस प्रोडक्ट. इट वॉज स्टिल वे मोर कन्वीनियंट टू यूज़ अ पावर स्वीप इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर ब्रूम. अब जाते हैं, जाके क्लीन करते हैं डेस्क को. एक दो और चीज़ें जो कि मैं बाद में दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे नज़र आई हैं अभी ड्राइवे के ऊपर, यू नो दे वुड बिकम अदर प्रोजेक्ट्स फॉर होम इम्प्रूवमेंट ऑन द होम. दो डेक्स हैं यहाँ पे, एक जो छोटा डेक है वो है ऑन द साइड डोर एज आई एंटर फ्रॉम द गैराज डोर, विच इज़ बेसिकली नॉट अ डेक रियली, इट इज़ जस्ट अनदर एंट्रेंस टू द हाउस. और दो bigger deck is in front of the living room. तो पहले ये side entrance जो है इसको clean कर लेते हैं. Side entrance तो हो गई है clean, but I have seen the same issue which I was seeing on the driveway. ये जो stains नज़र आ रहे हैं इनके बारे में बात करते हैं आगे वीडियो में, पहले दूसरा डेक जो है उसको क्लीन करें. यहाँ तो जी बहुत ही ज़्यादा मेजर किस्म का प्रॉब्लम है. पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, होपफुली इसके नीचे उतने बड़े स्टेन्स नहीं होंगे जैसे दूसरे डेक के नीचे थे, लेकिन आई डोंट हैव वेरी हाई होप्स. नहीं हो रहा पावर स्वीप, मेरे ख्याल से लीफ रेक की ज़रूरत पड़ेगी. रूम भी यहाँ पे कोई काम नहीं कर पाएगा, तो ट्राई करता हूँ कि ये लीफ रेक कैसे हेल्प कर सकता है. तो इन द एंड जी हीरो साबित हुआ है रेक, बट रेक जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता अगर बहुत कम पत्ते हों. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन इट विद रेक. तो वहाँ पे पावर स्वीप हेल्प एट द एंड, जब मेजर बल्क ऑफ द लीव्स वर गॉन, जो थोड़ा बहुत पत्ते रह गए थे वो फिर पावर स्वीप से मैंने साफ़ किए हैं. और ये आप देख सकते हैं कि कितना ढेर था डेक के ऊपर जो कि मैंने अभी अपने कंक्रीट पे डाला है, और इसको उठा के मैं कोशिश करूँगा कि लॉन में डाल दूँ. तो कंक्रीट पैड पे से मैंने मेजर जो पत्ते हैं वो क्लियर कर लिए हैं. अब पावर स्वीप से जो थोड़े से पत्ते इसके ऊपर रह गए हुए हैं उनको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं. तो एज आई वॉज पुटिंग अवे माई टूल्स, मेरी नज़र पड़ी ये सी फोम पे जो कि मैं कल लेके आया था मीनार से. इट हेल्प्स विद योर कार इंजन सिलेंडर क्लीनअप, और इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेट टू यूजिंग हाई ऑक्टेन फ्यूल. मैं हर मरतबा तो यूज़ नहीं करता हूँ इसको, बट ऑन एंड ऑफ जब मैं अपनी गाड़ी को ट्रीट देना चाहूँ तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ. तो इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है. बॉटल को ओपन करें, उसके सील को रिमूव करें और कार के फ्यूल टैंक में इसको डालें.
So, the review for the day, power sweep was really effective on the driveway, but deck ke upar kyunki bahut zyada patte ikatthe hue hue the aur shayad it had rained as well. Unki wajah se power sweep was really ineffective. Wahan pe mujhe use karna pada rake. But after cleaning the bulk of the leaves from the deck, power sweep was again effective to clean out the really small pieces of leaves and dust on the deck. So, जी कल कर रहा हूँ मैं travel for work. इसलिए घर से तो videos नहीं बना पाऊँगा. हो सकता है कि daily videos में थोड़ी सी disruption आ जाए, but कोशिश करूँगा कि जहाँ भी हूँ वहाँ से videos बना के upload करता रहूँ. If you are liking this channel, please अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रिकमेंड कीजिएगा कि वो मेरी वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अभी मुझे करनी है पैकिंग, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कम बैक टू दिस चैनल बिकॉज दिस इज़ योर ओन यूट्यूब चैनल. टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ योर वेरी ओन देसी होम ओनर साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफ़िज़.